स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये प्यारा सा भाई धीरे धीरे करके अपने घर की ओर जा रहा था। चलते चलते ये भाई को कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। रुकने के बाद वो बॉक्स को देखता है और उसको बंद करके चलने लग जाता है। यहाँ पे एंटी कुछ खा रही थी। अंकल उनको पैसा देते हैं और एंटी उसको धीरे से पकड़ के देखती है कि क्या है, फिर उसको साइड में रख देती है। एंटी अपना रोटी खाना जारी रखती है। उसके बाद वही प्यारा सा भाई आता है और देखता है कि एंटी सूखी रोटी खा रही है। इसे देखने के बाद प्यारा सा भाई चल देता है एक दुकान में, जहाँ पे वो इधर उधर देखता है और दुकानदार को बोलता है कि मुझे ये चाहिए। दुकान वाले भाई फिर वो लाके दे देते हैं, फिर बोलते हैं पैसा चाहिए। प्यारा सा भाई जेब की छानबीन करना चालू कर देता है और एक सिक्का निकाल के देता है। दुकान वाले भैया बोलते हैं और नहीं है तुम्हारे पास? शकल हिलाते हुए बोलता है नहीं है भाई, नहीं है मेरे पास। भाई जेब की ओर देखने लग जाते हैं और बॉक्स निकालते हैं और भैया को देखते हैं, फिर बॉक्स को देखते हैं और उसमें से कुछ निकालते हैं और रखते हैं ऊपर में। देखो भाई, एक सुपरस्टार है, ये डुपरस्टार है। दुकान के मालिक ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि सुपरस्टार डुपरस्टार की पिक्चर यहाँ पे क्यों रख रहा है ये मालिक। फिर धीरे से उठते हैं और वो पिक्चर को देखने लग जाते हैं कि मैं भी जब छोटा था ना तो कुछ इस तरीके से करता था, मेरी बचपन की यादें आज तेज हो गई। उसके बाद भाई को दे देते हैं सारे स्टिकर्स और भाई जो खरीद रहे थे उसको भी दे देते हैं भाई को। भाई जाने लगते हैं, फिर दुकानदार रोकते हैं और सिक्के को ना अंदर डाल देते हैं जेब में भाई के। भाई की आंखों में जो खुशी थी ना वो देखने लायक थी। फिर दौड़ते 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 आप इस दुकान के मालिक के लिए एक लाइक कर दीजिए। एंटी के पास पहुंचते हैं और वो पैकेट दे देते हैं। उसके बाद दुकानदार एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। भाई फिर हंसने लग जाते हैं। आप इस भाई के लिए लाइक कर दीजिए, कॉमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करेंसी तो बस एक जरिया है, कीमत तो नेक इरादों को मिलती है। करेंसी इज जस्ट अ मीडियम, इट्स द इंटेंट दैट मैटर्स।